नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एल्युमिनियम एंड फर्नीचर वर्ल्ड में। और मैं आज आपके लिए एक नई न्यू विंडो लेके आया हूँ 2-1 के सेक्शन में। एनोडाइज विंडो है ये, एनोडाइज कलर किया हुआ है, ब्लैक कलर किया हुआ है एनोडाइज में, और 5mm का टफन ग्लास है। और इस विंडो को मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से फिटिंग वगैरह किए हैं, कौन सा फिटिंग इसमें लगा है। ये देखिए ऊपर, तो पहले सबसे पहले ये जिंदाल वाला डोर चैनल है, ये आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। इसका ये भी ब्लैक कलर भी है, एनोडाइज किया हुआ है ये वाला चैनल है। इसके अंदर फिटिंग कौन सी लगी है मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। ये पूरा चैनल है, ऊपर फिटिंग किया हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए ऊपर दो चैनल लगा हुआ है, क्योंकि दो दरवाजे स्लाइडिंग डोर हो रहे हैं और 3 पार्ट में बना हुआ है। ये देखिए पूरा, क्योंकि ये एक पार्ट जो लेफ्ट साइड में है ये फिक्स किया हुआ है और 2 स्लाइडिंग चैनल है चल रहा है। ये देखिए इस तरह से चले गए, ऊपर फिटिंग लगा हुआ है, इसमें फिटिंग भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा फिटिंग लगा। और यहाँ पे एंड में एक सिंगल ट्रैक करके आता है, स्लाइडिंग विंडो जाली में भी लगाया जाता है, सिंगल ट्रैक रहता है वो वाला यूज होगा। देखिए एक पार्ट फिक्स है और 2 स्लाइडिंग ओपन हो रहा है, और खुलेगा तो एक साथ में 3 हो जाएंगे, ये वाला फिक्स है। फिटिंग किया जा रहा है, फिटिंग बाकी है, थोड़ा बहुत फाइनल होना फिटिंग बाकी है, 50-60% काम हो चुका है इसका। देखिए खोलेंगे तो 3 एक साथ में शटर हो जाएंगे, ये देखिए 3 एक साथ में। और ये लास्ट वाले में लॉक दिया हुआ है, लास्ट में एंड होगा यहाँ पे तो लॉक लग जाएगा। ये वाला ट्रैक फिटिंग करना बाकी है अभी। पूरा एनोडाइज किया हुआ दोस्तों, 5mm टफन ग्लास इसमें लगाया गया है। देखिए सिंगल ट्रैक में जो हमारे कारीगर हैं लगा रहे हैं, होल वगैरह मार रहे हैं, उसको साइड में फिटिंग करेंगे और ये वाला जाके वहाँ पे लॉक हो जाएगा। एक बार आपको ये दिखा देते हैं, देखिए 2x1 का सेक्शन है, तीनों जिंदाल मटेरियल है, ये फुल्ली जिंदाल है, ये 16 गेज का ये माल है, हैवी सेक्शन है। अब हमारा साइड ट्रैक दोस्तों फिटिंग होगा। दोस्तों इसी ट्रैक के अंदर में लास्ट वाला शटर जो है बंद होने के बाद इसमें जाएगा, और इसके अंदर ग्रु है तो उसके अंदर जाएगा और वहाँ पे ही उसमें लॉक फिटिंग किया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि आगे हॉल है और पीछे किचन बन रहा है इसमें, इसके लिए यहाँ पे पार्टीशन किया जा रहा है, फोल्डेबल पार्टीशन है, पूरी तरह से खुल भी जाएगा। ये देखिए इस तरह से जाएगा और इसमें अपना लॉक हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था ये आगे हॉल है और पीछे किचन है, उस साइड जो आप देख रहे हैं सामने प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो किचन है, और इस साइड में हॉल है तो हॉल में ही किचन भी दिया गया है, इसके लिए यहाँ पर बीच में पार्टीशन किया जा रहा है। यहाँ से एंट्री है, ये हमारा काम 90% हो चुका है, अब सिर्फ लॉक ही बाकी है फिटिंग करने के लिए। और फिटिंग की मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये रहा फिटिंग हमारा, ये वाला जो व्हील है आसुस जी कंपनी का, आप देख लीजिए ऐसा फिटिंग है। और दोनों डोर के अंदर में 2 लगा हुआ है, लगभग 300 से 350 के आसपास में ये फिटिंग आती है। देखिए ऊपर दोनों में 2 लगा हुआ है, उस साइड भी लगा हुआ है, दोनों में दोनों साइड लगा हुआ है, 2 पैकेट आप देख रहे हैं, 4 लगा हुआ है, 4 व्हील है उसमें, दोनों तरफ 2 में दोनों साइड में शटर में लगे हुए हैं, और तीसरा जो पार्ट है वो फिक्स किया हुआ है।